लिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आज होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद। सिरसा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। आज सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा होनी है। दिल्ली पुल से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। श्री बाबा तारा कुटिया में यात्रा का समापन होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें इस वक्त की। आज हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद होना है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनावी शंखनाद करेंगे। आज सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली पुल से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। श्री बाबा तारा कोटिया में यात्रा का समापन होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आगामी चुनाव है और हरियाणा में इसे देखते हुए तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी भी चुनाव को लेकर तैयारियों में है। आज हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनावी शंखनाद करेंगे। आज सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली पुल से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। श्री बाबा तारा कोटिया में यात्रा का समापन होगा। सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो दिल्ली पुल से यात्रा का आगाज होना है। तैयारियां भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे इसमें शामिल होने के लिए। हर कोई यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा लोकहित पार्टी का फ्लैग लेकर महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे बुजुर्ग ये सब मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सृष्टि मेहता संवाददाता और मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सिरसा से लाइव जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, और कितना वक्त लगेगा यात्रा शुरू होने में और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी सृष्टि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने देर में शंखनाद होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली पुल से यात्रा का आगाज होने वाला है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है, कितना वक्त और लगेगा शुरू होने में इसे, और क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर, कितने की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सिरसा में आज हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद। सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली पुल से यात्रा का आगाज होगा। तो आज होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनावी शंखनाद करेंगे। आज सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली पुल से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। श्री बाबा तारा कुटिया में यात्रा का समापन होना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके हाथों में फ्लैग है और तारीफ करते हुए नजर आए सिरसा विधायक गोपाल कांडा की, जो लोग यहाँ पर पहुंचे। और ये बड़ा आयोजन है, आज हरियाणा लोकहित पार्टी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद, तो दो बड़े इवेंट इसे कहा जा सकता है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली पुल से यात्रा का आगाज होगा। आज होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनावी शंखनाद। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनावी शंखनाद करेंगे। आज सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली पुल से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। श्री बाबा तारा कोटिया में यात्रा का समापन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी का भी चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है और आज सिरसा जिले का स्थापना दिवस भी है।
तो ऐसे में आज का ये दिन भी काफी अहम है और आज से ही चुनावी शंखनाद हरियाणा लोकहित पार्टी कर रही है। मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है जो सिरसा में ही मौजूद है। सृष्टि, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कितना वक्त और लगेगा जब सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा वहां पर पहुंचेंगे, कितने की संख्या में लोग फिलहाल वहां पर पहुंचे हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रीय, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उससे पहले तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है सिरसा में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने जानकारी दी कि HLP सुप्रीमो सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, जो जिन्होंने आज चुनावी शंखनाद किया है। बात समय की करें तो देखिए 11 बजे के बाद का समय जो है वो निर्धारित किया गया था और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद आधे घंटे के करीब जो है सिरसा विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, आप ये तस्वीरें देखिए, काफी संख्या में जो लोग हैं, जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई है। महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर जो है सिरसा विधायक को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए तैयारी जो है कार्यक्रम के लिए खास की गई है, सुरक्षा के बाहर हमने देखा है वो भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत जो है यहाँ पर आने वाले लोगों को ना हो। और जिस तरह से तैयारियों की बात करें, अन्य राजनीतिक दलों की भी अगर हम बात करें राष्ट्रीय, तो सभी पार्टियां कुछ इसी तरह के कार्यक्रम भी करती हुई नजर आई थी। हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस जहां रैलियां कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कार्यक्रमों के जरिए खुद CM नायब सैनी संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सिरसा विधायक ने भी आज जिस तरह से चुनावी शंखनाद किया है, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज सिरसा का जिला स्थापना दिवस भी है, तो इसको लेकर भी लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह जो है राष्ट्रीय देखने को मिल रहा है। यात्रा को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि शुरू होने के बाद ये यात्रा जो है काफी लंबी चलेगी, यानी कि काफी सारे एरियाज को कवर करते हुए ये यात्रा जो है आगे बढ़ेगी। यात्रा को जो बताया जा रहा है कि श्री तारा बाबा जी कुटिया तक पहुंचना है जहां पर इसका समापन होगा। और इस बीच ये यात्रा जो है महाराणा प्रताप चौक, भगवान परशुराम चौक, HLP ऑफिस, शहीद भगत सिंह चौक, आचार्य तुलसी चौक, पटेल चौक और रानिया चुंगी को भी कवर करेगी। और तारा बाबा कुटिया में पहुंचने के बाद वहां पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है। और इसके साथ ही आपको अगर तैयारियां हम दिखाएं तो लगभग यहां पर मंच भी तैयार है, कुछ ही देर में सिरसा विधायक गोपाल कांडा यहाँ पर पहुंचेंगे। और अगर राष्ट्रीय आपको बाहर की भी हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाने के प्रयास करें तो काफी कुछ आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो भारी संख्या में जो है एकजुट हुई है। कुछ लोगों से हमने जब यहाँ पर बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी एक कहा जा सकता है कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिलता हुआ नजर आया। जब लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो गोपाल कांडा है उन्होंने उनके काम करवाए हैं और आगे भी वो कहीं ना कहीं अपने विधायक के तौर पर उन्हें देखते हैं। कुछ लोग और यहाँ पर हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे अगर कुछ लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफी संख्या में जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। और ठीक है राशि, कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं किस लिए आए हैं, क्या यहाँ पर? हम तो गोपाल कांडा जी की जिताने के लिए आए हैं जी, हमारी सुविधा की जाए, हमारे फ्लैटों में जो बुरा हाल है हमारे को कर दिए। आप गोपाल कांडा को जिताना चाहते हैं, काम करवाए? हम हर बार जिताते हैं जी गोपाल कांडा को, हम गोपाल कांडा के ही वोट। हमारे गांव को पानी दिया वाटर बक्स का, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हमारे गांव को कम से कम गौशाला को भी जगह दी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं रंगड़ी का कार्य नागरिक हूँ, मैं इनका समर्थन करूंगा गोपाल कांडा जी का। हमारे गांव में से कोई भी वोट इसके अलावा किसी को नहीं देगा, गोपाल कांडा को वोट देंगे। दोबारा गांव में गोपाल कांडा जी का पानी दिया हमारे गांव को, खारा पानी पीते थे हम, यहाँ से 4 किलोमीटर है सिरसा से, 4 किलोमीटर, इसको ही देंगे वोट हम। मेरा नाम आप लिख लेना, मेरी एक तमन्ना है मेरी भी, मेरा बेटा भी लगवा दे गोविंद जी। आप भी कुछ कह रहे थे? हमारा तो मैडम यही है, हमारे को तो घर दिए जाए, घर बना के दे हमारे। आप यहाँ पर आप कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है उनका भी, कांडा साहब जगह बहुत
सब कुछ करा रहे हैं, हमारे लिए जो भी है अच्छा है। राष्ट्रीय देखिए लोग कह रहे हैं जो भी है अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि जो इनकी समस्या थी, जो इनके काम थे उनको करवाया गया है। जैसा कि पानी की समस्या का ये जिक्र कर रहे थे, खारा पानी, खारे पानी की समस्या से इनके इलाके के जो लोग हैं वो काफी सालों से जूझ रहे थे, जिसको सिरसा विधायक ने दूर करने का काम कराया है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम उन्हें सेक्टर फ्लैटों से हैं, अगर हमारी कोई सुनवाई कर सकता है तो वह है भाई गोविंद कांडा जी या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री गोपाल कांडा जी, और हम इनसे उम्मीद करते हैं। तो देखिए लोगों के अंदर जो है एक अलग ही विश्वास जो है सिरसा विधायक को लेकर नजर आ रहा है, और हमने महिलाओं से भी बात की है, और फिलहाल आप तस्वीरें भी देख रहे हैं राष्ट्रीय, यहाँ पूरा जो इंतजाम है लोगों के लिए वो किया गया है। बिल्कुल, सृष्टि बनी रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि थोड़ी ही देर में सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा पहुंचेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी, श्री बाबा तारा कुटिया में यात्रा का समापन भी होना है। तो सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी चुनावी शंखनाद करने जा रही है, कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा ये चुनावी शंखनाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो सृष्टि, आप उत्साह तो देख पा रही हैं लोगों के बीच, कार्यकर्ता भी पहुंचे होंगे वहां पर, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी आप देख रही होंगी? कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, एक एक करके कार्यकर्ताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय बताया जा रहा है कि सिरसा विधायक जब यहां पर पहुंचेंगे तो ज्यादातर जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनके साथ ही मौजूद रहने वाले हैं। हाँ। और क्योंकि ये काफी बड़ी रैली जो है वो रहने वाली है, तो इसके लिए इंतजाम जो है वो खास किए गए हैं, गाड़ियों से भी ये काफिला जो है वो निकाला जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कौन कौन से एरियाज को कवर करते हुए ये रैली जो है वो आगे बढ़ेगी, और क्योंकि काफी लंबी यात्रा रहने वाली है राष्ट्रीय, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पहले गोविंद कांडा को भी सुन रहे थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा, जिन्होंने कहा था कि यहां से हमने चुनावी शंखनाद जो है वो कर दिया है और इसे जन आशीर्वाद के तौर पर देखा जा रहा है। एचएलपी सुप्रीमो का भी कहना है कि हम लोगों का समर्थन लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से जो सिरसा विधायक गोपाल कांडा है वो भी कहा जा सकता है उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो नजर आ रहा है, और शायद उसका कारण यही है कि लोगों को उन पर भरोसा है, क्योंकि लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि गोपाल कांडा के आयोजनों का भी जिक्र कर लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं अब तक सिरसा में, तो यही कारण है कि हर कोई जी तमाम जी। इस तरह के मुद्दे को लगातार गोपाल कांडा जो है वो उठाते आए हैं, और कई समस्याओं को उन्होंने लोगों की जो जन समस्याएं थी उनको दूर करने का भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में लोग जो है वो रख रहे हैं, और उनकी यहाँ से अभी तक फिलहाल हमने जितने लोगों से बात की है उनका कहीं ना कहीं एक ही रिस्पांस जो है वो सामने आ रहा है, और वो ये है कि वो चाहते हैं कि गोपाल कांडा को ही दोबारा से विधायक बनाया जाए। जी ठीक है, सृष्टि बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद और सिरसा के स्थापना दिवस पर हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद है, और कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा। सृष्टि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानकारी भी दे रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, दिल्ली पुल से यात्रा का आगाज होना है। कुछ ही देर में सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो यहां पर पहुंचेंगे और शंखनाद होगा, जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोगों से जब बातचीत की हरियाणा न्यूज ने, तो हर कोई विधायक की तारीफ कर रहा है, विधायक के कामों की तारीफ कर रहा है, और अगले बार भी विधायक के तौर पर वो गोपाल कांडा को ही देखना चाहते हैं। इसके अलावा जब सृष्टि ने और भी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें काफी सुविधाएं यहां पर मिली है, पहले हम खारा पानी पीने को मजबूर थे लेकिन अब हमें साफ पानी मिल रहा है, तो विधायक के कामों की बदौलत ही ये काम हो रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा लोकहित पार्टी का ये चुनावी शंखनाद होने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी का भी ये चुनावी शंखनाद और यात्रा आज होनी है, हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के वक्त, भले ही यहाँ पर
लोकसभा जब चुनाव जब हुए थे अशोक तंवर के समर्थन में यहाँ पर जब एक बड़ी रैली निकाली गई थी तो उस वक्त भी गोपाल कांडा के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे, तो एक वर्चस्व जो है उस वक्त भी देखने को मिला था। भले अशोक तंवर चुनाव हार गए थे लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो रैली निकाली गई थी, जो यात्रा निकाली गई थी, तो उस वक्त भी लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गोपाल कांडा के नारे लगाते हुए पहुंचे हुए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई बड़ा इवेंट हो तो उस वक्त भी पूरा परिवार समाज सेवा में लगा रहता है, और इससे पहले भी कई धार्मिक कार्य हुए हैं। तारा बाबा कुटिया में भी कई बार कार्यक्रम हुए हैं और इसके आयोजन भी कांडा परिवार की तरफ से ही किए जाते हैं। तो भंडारे का भी कार्यक्रम होता है, पूजा का कार्यक्रम होता है, हवन का कार्यक्रम होता है, इससे पहले कथावाचक भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम थे। तो इन सब का भी प्रभाव लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो विकास कार्य रुके हुए थे वो भी यहाँ पर करवाए गए हैं, ये लोगों ने अपनी बातचीत में कहा। सृष्टि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल राष्ट्रीय, अभी फिलहाल जो हम लोगों को देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं अभी पहुंचे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि सिरसा विधायक के यहाँ पहुंचने के बाद ये संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों से, खासतौर पर महिलाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई गोपाल कांडा ने काम करवाया है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करती है। आप यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? गोपाल कांडा जी के साथ हैं हम सब और उनके सपोर्ट में खड़े हैं, सभी उन रैली में जा रहे हैं उनके साथ, सभी को अच्छे से बुलाया है, अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। आप समर्थन करते हैं गोपाल? हाँ जी बिल्कुल, हाँ। करते हैं गोपाल कांडा जी को, गोविंद कांडा भाई जी को हम पूरी तरह सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसा क्यों है कि मैं जिन भी लोगों से यहाँ पर बात कर रही हूँ, खासतौर पर महिलाओं से भी, वो उनका कहना है कि फिर से गोपाल कांडा को आना चाहिए, ऐसा ऐसा क्या है? उनके काम बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, पुण्य धर्म का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, तारा बाबी कुटिया पे भी बहुत ज्यादा काम अच्छा करते हैं, उनके काम सभी अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं सभी। आपकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करने का, उनको ठीक करने का काम करते हैं? हाँ उम्मीदें हैं उनसे, वो करेंगे जरूर, हमें विश्वास है, करेंगे, सारे करेंगे, हम लोग करेंगे, विश्वास है। आप क्या कहना? हाँ जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हाँ जी, असी भी भाई साहब दे कोल पहुंचे हाँ, साथ रहांगे भाई साहब दे नाल हमेशा ही, बहुत मदद करदा भाई साहब जी साडे नाल, और लंगर तक पहुंचाउंदा है। लॉकडाउन दे विच साडी जनता भुखी मर गई सी। हाँ जी, आप भावुक हो गए हैं उनकी बात जी, और क्यों? हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी, और भाई साहब साडे देश बारे बहुत वधिया सोची जांदा है। हाँ जी, असी कोल रहिंदे भाई साहब दे, साडे बहुत वधिया भाई साहब साडे बारे सोची जांदा है, और सारी गरीब जनता साडी सारी लंगर ते जांदी आ भाई साहब दे दरबार, बहुत वधिया साडे बारे भाई साहब सोची जांदा, असी भी उन्हां बारे सोचांगे, नाल रहांगे भाई साहब दे सदा ही। ठीक है, धन्यवाद। तो राष्ट्रीय, आप देखिए, आप खुद सुन सकते हैं, ये महिला जो थी ये थोड़ी भावुक भी हो गई। इनका कहना है कि विधायक हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं तो हम भी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा को ये भाई कहकर, भाई साहब कहकर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो संबोधित करती हैं, और यही तमाम बातें इन लोगों की तरफ से जो है वो फिलहाल कही जा रही है, और धीरे धीरे कार्यक्रम जो है शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। और तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको राष्ट्रीय अगर दिखाने की कोशिश करूं, कुछ यहाँ पर आपने भीड़ देखी, अगर आप बाहर का नजारा देखेंगे तो वहां पर भी काफी सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और काफी संख्या में आप देख सकते हैं बाहर के एरिया में भी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वेट हो रहा है गोपाल कांडा का कि बिल्कुल जी कि वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको सुनने के लिए ये लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए सृष्टि तो आज सिरसा का स्थापना दिवस भी है, तो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी भी आज चुनावी शंखनाद कर रही है, तो दो बड़े इवेंट एक तरह से इसे कहा जा सकता है। सिरसा का स्थापना दिवस, तो लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी है क्या, क्या कुछ कार्यक्रम में रहने वाला है?
बिल्कुल राष्ट्रीय, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सिरसा जिले का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो उसके लिए ये तमाम कहा जा रहा है कि जब ये जो यात्रा है, जब ये अपने समापन की ओर पहुंचेगी तारा बाबा कुटिया में, तो वहां पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी जो है वो रखा गया है। प्रसाद जो है वो लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आज बड़ा दिन है सिरसा वासियों के लिए। जब भी सिरसा में जिला स्थापना दिवस होता है तो अलग ही जो एक उत्साह और जो रौनक है वो लोगों के अंदर नजर आती है, और कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर डबल उत्साह इसलिए है क्योंकि उनके, कहा जा सकता है खासतौर पर जिस तरह से आपने महिलाओं को भी सुना, उनके भाई गोपाल कांडा यहां से चुनावी शंखनाद जो है वो करने जा रहे हैं। वो अपनी उन्होंने कहा जा सकता है कि आगाज जो है यहां से कर दिया है, और कहीं ना कहीं उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के समर्थन में ये तमाम जो लोग हैं यहां पर राष्ट्रीय पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप भी लगातार देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग, और इंतजार यहां पर गोपाल कांडा का किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी हमें राष्ट्रीय जानकारी मिल रही है कि बस कुछ ही देर का समय और है, यहां पर जो सिरसा विधायक गोपाल कांडा है अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचेंगे और लोगों से नजर आशीर्वाद तो लेंगे ही, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और कुछ ही देर में यहां पर सिरसा विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा पहुंचने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।